कैसे लोग भी इस राजस्थान के अंदर जिंदा अभी आखिरी दम तक मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं और आपके लिए सारी लड़ाई लड़ूंगा। अब तो सरकार का बुढ़ापा आ गया, 4.5 साल 4.5 साल हो गए, अब तो जून जुलाई के बाद वसुंधरा खुद झुकती घूमेगी। हमने तो सरकार की जवानी देखी जब पहले दिन से ही किस तरह एक दर्जन मुकदमे पासपोर्ट जब्त कर लिए, हथियार जब्त कर लिए, लेकिन वसुंधरा जितनी बार विधानसभा के अंदर बोली अगर मैंने उसको कभी से ढंग से नहीं बोलने दिया, एक दो बार हमेशा बीच में बिठा था, बैठ जाओ नीचे नहीं बोलने दिया, ये काम क्यों से विधायक नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी भी मेरे को पसंद इसके नहीं करती, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि ये तो हमारे वोट तोड़ रहे हैं, तुम्हारे कौन से वोट है, तुमने तो 2008 के अंदर ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो वसुंधरा के भ्रष्टाचार की जांच करा के इसको जेल के अंदर डालेंगे, और 2008 के अंदर अशोक गहलोत सीएम बने तब क्या क्या था इन्होंने 8 से 13 के अंदर, वसुंधरा को छोड़ो उसके चपरासी धीरेन्द्र कमथान की जांच नहीं करा पाए और वसुंधरा और गहलोत ने हाथ में ला लिया, और गहलोत का जो भ्रष्टाचार था उसकी वसुंधरा जांच नहीं करा रही है। एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, हमें उत्साह के माध्यम से राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना है। सबसे पहली मांग कि किसानों का संपूर्ण 82,000 करोड़ का ऋण माफ हो, दूसरा मुक्त टोल मुक्त राजस्थान हो, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो और मजबूत लोकपाल राजस्थान के अंदर आए, 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख किसान के बेटों को रोजगार, नवलगंज सहित पूरे शेखावाटी अंचल के अंदर प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले, प्याज की मंडी सीकर में खुले और समर्थन मूल्य पे प्याज की खरीद हो, और पैरामिलिट्री फोर्स मिलिट्री के अलावा और पुलिस के जवान किसान के बेटे अगर लड़ते लड़ते अपराधियों से कहीं मुठभेड़ के अंदर शहीद हो गए तो उनको भी मिलिट्री के जवानों की तरह शहीद का दर्जा मिले। इस बात को लेकर हम उड़ान भरेंगे सीकर से, ये आंधी जो नागौर से चली है सीकर के अंदर इसे तूफान बना दो, और जयपुर के अंदर ये चक्रवात बन जाए, वसुंधरा चक्रवात में उठ के लंदन चली जाए और गहलोत फैलने का पता चल लगे, ऐसी उकार हमें पड़ेगी। ये उकार हम अकेले नहीं कर पाएंगे, सरपंच कौशल लाल जी की टीम भी पूरी राजस्थान में हमारे साथ होगी, सैनिक समाज भी होगा, सारे समाज होंगे और हो जाएंगे अपने साथ, क्योंकि हम सब मिलकर भाइयों की तरह लड़े, और भाई भाई से नाराज हो जाता है लेकिन भाई भाई के काम आता है, इस बात को भी हमें ध्यान के अंदर रखना है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हरियाणा के अंदर जब आजाद